पितृपक्ष में गाय की खिला दे ये दो चीज गरीबी नष्ट हो जाएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को आने वाले पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में पितृ दोष कभी ना लगे और आप सदैव अपने जीवन में उन्नति करते रहे और अपने जीवन में कामयाब हो। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। पितृ पक्ष के दौरान हमारे पितृ यानी पूर्वज पृथ्वी लोक से धरती पर हमसे मिलने के लिए आते हैं। हमारे द्वारा उनके लिए किए जाने वाले श्राद्ध तथा तर्पण पिंडदान आदि कार्यों से भी संतुष्ट होकर हमें ढेर सारा आशीर्वाद और हमें सफलता की कामना देकर जाते हैं। प्रतिवर्ष पितृपक्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं और आश्विन मास की अमावस्या को समाप्त हो जाते हैं। अमावस्या को बड़ी ही श्रद्धा भाव से समाप्ति हो जाती है। इसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। पितृ पक्ष के दिनों में मनुष्य को पितृ की संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म तथा दान धर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा था, जिस मनुष्य को उसके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, उसके कुल का गौरव सदैव भी बढ़ता रहता है। ऐसा मनुष्य कभी भी दरिद्रता को स्वीकार नहीं करता है। उसके जीवन में दरिद्रता भूल कर भी नहीं आती है। इस साल पितृ पक्ष 17 सितंबर यानी कि मंगलवार के दिन से प्रारंभ हो रहे हैं और इसका समापन 2 अक्टूबर के दिन यानी कि बुधवार को हो जाएगा। पितृ पक्ष 16 दिनों तक बड़ी ही श्रद्धा भाव से चलते रहते हैं। इस दौरान मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, पितृ जो होते हैं वह मनुष्य के परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच होते हैं। पितृ शक्ति मनुष्य की हर प्रकार से संकटों से परेशानियों से रक्षा करती है। यदि घर में पितृ शक्ति का वास हो तो घर में किसी भी प्रकार के संकट, कष्ट, दुष्ट आत्मा या फिर नकारात्मक शक्ति कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती है। इसीलिए हमें पितृपक्ष में कुछ ऐसे कार्य जरूर करते रहना चाहिए जिससे हमारे घर में पितृ शक्ति का वास होता रहे। पितृ को प्रसन्न करने के लिए गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिनसे हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पितरों की संतुष्टि के लिए सर्वोत्तम उपाय है दान करना, और दानों में भी सर्वोत्तम होता है तिल का दान करना। जो भी मनुष्य पितृपक्ष में पितरों के लिए तिल का दान करता है, उसके सभी पापों का और उसके सभी दुखों का बड़ी ही आसानी से अंत हो जाता है। इसके अलावा आप पितृपक्ष में अपने पितरों की संतुष्टि के लिए वस्त्र आदि का दान अवश्य करें। यदि गाय का दान किया जाए तो व्यक्ति को कई हजारों गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, हमारे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु माना जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि गाय को माता कहा जाता है और समस्त देवी देवताएं इनका बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव होती है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा जाता है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी इस निष्पाप गौ माता पर भूलकर भी किसी भी व्यक्ति को अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी भी नहीं मारना चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। जो व्यक्ति गाय को मारता है वह अपने जीवन में कभी भी पाप से मुक्त तो नहीं हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण को गायों से बहुत ही ज्यादा लगाव था। उन्हें गौ माता बहुत ही ज्यादा प्रिय थी। श्री कृष्ण के अनुसार गायों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य इस संसार में कोई भी दूसरा काम नहीं होता है। इसीलिए तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण गौ माता को चराया करते थे। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में जब धर्म का लोप होता जाएगा तब
मनुष्य गाय की सेवा करना बंद कर देगा। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय माता को पालेगा, दूध के लिए ही वह गाय माता को खाना खिलाएगा और दूध के लिए ही वह गाय को बहुत ज्यादा कष्ट भी देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और धर्म उसके चरम पर पहुंच जाएगा। कलयुग के अंत का लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जब संसार में गाय समाप्त हो जाएंगे तब कलयुग का धीरे धीरे अंत होता जाएगा। जो मनुष्य कलयुग में भी गाय की निस्वार्थ भाव से और बिना दूध के लालच से उसकी सेवा करता रहेगा, वह सुख समृद्धि को सदैव प्राप्त करता रहेगा। जो भी स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी प्रतिदिन गाय माता को खिलाएगी वह सदा सुहागन और सौभाग्यवती रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेंगे उसके घर में कभी भी दुख दरिद्रता तकलीफ कष्ट नहीं आएंगे। दोस्तों, हमारे धर्म में सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता रहता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। गाँव में तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का बहुत ही ज्यादा अवसर प्राप्त होता है, लेकिन शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं, इसलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गाय की सेवा तो अवश्य ही करनी चाहिए, अथवा गौशाला के लिए प्रतिदिन दान धर्म भी करते रहना चाहिए। अगर आपके पास प्रतिदिन दान धर्म करने लायक धन नहीं है, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ तो दान अवश्य ही करें। इसके अलावा आप अपने घर पर ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी प्रतिदिन पूजा करें। इससे भी कामधेनु माता का आशीर्वाद हर व्यक्ति पर बना रहता है। शास्त्रों में कहा जाता है, गौ माता को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा करने से घर से दरिद्रता कष्ट परेशानी तकलीफ सब दूर हो जाते हैं। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन बड़ी ही निष्ठा भाव से किया करते थे तथा राजा महाराजा गायों का दान किया करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा जाता है। गायों का दान करने से सभी जन्मों के पाप बड़ी ही आसानी से नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आज हम आपको गौ माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं, जो कि श्राद्ध पक्ष में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। गाय की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीज खिलाने से कौन सा फल प्राप्त होता है तथा गाय के किस अंग को स्पर्श करने से व्यक्ति की दरिद्रता पूरी तरह से दूर हो जाती है, समस्त जानकारी के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताया गया है। हमारी अत्यंत पूजनीय गौ माता के बारे में आप सभी को यह बातें अवश्य ही पता होनी चाहिए, इससे आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कई बार महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ चीज खिला देती हैं, जिससे माता लक्ष्मी उनसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और उनके घर से वह चली जाती है, जिस वजह से उन्हें परेशानी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह चीज गाय को कभी भी भूलकर भी नहीं खिलानी चाहिए, इससे मनुष्य के जीवन में लगातार दुर्भाग्य तकलीफ संकट परेशानी आती रहती है और उसे किसी भी कार्य में कभी भी सफलता नहीं मिल पाती है। तो चलिए जान लेते हैं गौ माता के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहली बात है दोस्तों, गौ माता के दर्शन करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जो रोज सुबह गाय के दर्शन कर लेता है उसे हजारों पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के आपको दर्शन हो जाए तो वह यात्रा समझ लेना सुखपूर्वक पूरी हो जाएगी, इसमें संशय की कोई भी बात नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है, कुंडली में यदि पितृ दोष है
तो अन्य उपायों के साथ साथ प्रतिदिन गाय माता को एक रोटी और घास तो व्यक्ति को जरूर ही खिलानी चाहिए। इससे बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलता है और पितृ दोषी मुक्ति भी मिल जाती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 धैया या फिर महादशा चल रही है तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास और रोटी व्यक्ति को जरूर खिलानी चाहिए जिसके जीवन में शनि की कुंडली खराब चल रही हो, और गाय की पूजा करनी चाहिए। इससे शनि दोष व्यक्ति के जीवन में कम हो जाता है। गोमूत्र बहुत ही उपयोगी पवित्र स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाता है गोमूत्र का महत्व के साथ ही वैज्ञानिकों की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गोमूत्र के बहुत सारे लाभ बताए जाते हैं। गोमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व बड़ी ही आसानी से मिलते हैं जो हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं और बहुत से रोगों से हमें बचाते हैं। साथ ही गोमूत्र छिड़कने से वातावरण में सदैव शुद्धता और पवित्रता व्याप्त रहती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गोमूत्र का सेवन करना तथा घर में गोमूत्र छिड़कने के लिए ही शास्त्रों में कहा जाता है कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफेद गाय को जरूरी खिलानी चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह बहुत ही ज्यादा कमजोर है या आपको किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलना पड़ रहे हैं, आपके जीवन में बुध ग्रह ठीक नहीं है, तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर देना चाहिए। इससे बुध ग्रह से जुड़े सारे दुष्प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे और आपको तमाम समस्याओं का बड़ी ही आसानी से हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां देखने को मिलती है तो लाल रंग की गाय की सेवा करें, मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ और चना खिलाए। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का सबसे बड़ा कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विघ्न का निर्माण होता रहता है तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को प्रतिदिन खिलाना चाहिए। इससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, निश्चित ही आपको मांगलिक कार्यों में सफलता मिलती है। अगर घर में अशांति है, घर में सदैव लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को प्रतिदिन जलाना चाहिए और उसका धुआं पूरे घर में आपको फैलाना चाहिए। इससे घर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा बड़ी ही आसानी से नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती रहती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र से बनने वाले मिश्रण को ही पंचगव्य कहा जाता है। पंचगव्य को पाप नाशक भी कहा जाता है और हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही साथ ही औषधि गुणों से भरपूर होती है। मित्रों, अगर आपके द्वार पर गौ माता आ जाती है तो उसे बिना रोटी खिलाई अपने घर से बिल्कुल भी जाने मत देना, तो आपको दुर्भाग्य का कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके द्वार से गाय बिना कुछ प्राप्त किए लौट जाती है ना उसके घर में लक्ष्य मी कभी भी नहीं आती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी सबसे पहले बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को सच्ची निष्ठा के साथ खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त होता है और मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा झूठा भोजन भी खिला देते हैं। इससे शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा पापदायक माना जाता है। आप किसी अन्य पशुओं को खिला सकते हैं, लेकिन गाय माता को कभी भी झूठा नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने के कारण गौ माता उस अन्न को बड़ी ही आसानी से ग्रहण कर
लेती है, लेकिन इसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गौ माता को ऐसा बासी भोजन खिला रहा है। गाय एक शाकाहारी और बहुत ही ज्यादा पवित्र पशु होती है, क्योंकि उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए गाय के भोजन में कभी भी मांस, अंडे आदि चीज भूलकर भी नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को महापाप लगता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण आपको लगातार परेशानी कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, तो आप यह एक उपाय अवश्य करें। आप रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिला दे। यदि शनि दोष है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दे। इससे शनि दोष पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय माता को अवश्य ही खिलानी चाहिए। अगर घर में धन की समस्या बन रही है तो गुरुवार के दिन गाय माता को केले का फल तो जरूर ही खिलाना चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता, धन की कमी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुंवर नारी होती है। जब भी आपके द्वार पर गौ माता पधार जाती है, आप इस कुंवर को स्पर्श करें। इससे आपके जीवन के सभी दुखों का अंत हो जाता है और धन की संपत्ति की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है, वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को माता की पूछ पकड़ कर बड़ी ही आसानी से पार कर लेता है। उस व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखाएं सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता को जीभ से चटा देता है, तो उसकी सोई हुई भाग्य की रेखाएं बड़ी ही आसानी से खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बड़ी ही आसानी से बदल जाता है। दोस्तों, हमने गौ माता से जुड़ी सारी बातें बड़ी ही आसानी से जान लिया। अब जानते हैं पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय। इन सभी उपायों के अंत में हम आपको वह असरदार उपाय भी बताएंगे जिसका उल्लेख शिव महापुराण में बड़े ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाकर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति को घर के दक्षिण दिशा की दीवार पर पितरों की फोटो लगानी चाहिए। साथ ही नियमित रूप से उनकी पूजा करके अनजाने में की गई गलतियों के लिए उनसे प्रतिदिन क्षमा याचना भी करनी चाहिए। कहते हैं इससे पितृदोष का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लग जाता है। साथ ही पितृ पक्ष में पूर्वजों का विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध भी करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में भोजन करना चाहिए और किसी ब्राह्मण से श्राद्ध तर्पण भी करवाना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल या बट वृक्ष के नीचे किसी लोटे में गंगाजल लेकर उसमें काला तिल, दूध, अक्षत और फूल डालकर पीपल को अर्पित करते रहना चाहिए। कहते हैं इसे करने से आपके पितरों को आप बहुत ही शांति मिलती है और वह आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं और आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाना चाहिए। ऐसा आप रोजाना भी कर सकते हैं। इससे पितृदोष खत्म हो जाता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको पितृपक्ष के 16 दिनों तक शिवलिंग पर नियमित रूप से जला अभिषेक करते रहना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष से हमें बहुत ही आसानी से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा जीवन में आ रही तमाम समस्याओं से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं और धन का आगमन होने लगे ऐसा चाहते हैं, तो पितृपक्ष में जरूरतमंदों को भोजन अवश्य कराना चाहिए या गरीब कन्या के विवाह में मदद करने से भी पितृ देव हमसे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हमें सदैव सफलता की कामना के लिए आशीर्वाद देते हैं
और पितृदोष शांत होने लगता है। चलिए अब जानते हैं सबसे असरदार उपाय के बारे में, जिसका जिक्र स्वयं शिव महापुराण में बड़ी ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। पितृपक्ष के दौरान सबसे पहले आपको एक कटोरी में चावल, बेलपत्र और दुर्वा बांधकर पानी के घड़ी के पास रख देनी है। कहते हैं ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, पितृदेव भी अपने लोगों से खुश रहते हैं और आपके जीवन की तमाम समस्याओं को, तमाम संकटों को बड़ी ही आसानी से दूर करने में आपकी बहुत बड़ी मदद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चावल की कटोरी को रखने के बाद उसका क्या करना चाहिए, तो आपको बता दें, 2-3 दिन बाद कटोरी में रखा हुआ बेलपत्र और दूर्वा शिवजी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना चाहिए और चावलों को अपने घर में छिड़क देना चाहिए, तभी आपको इस उपाय का फायदा देखने को मिलेगा। तो मित्रों, यह थे पित्त दोषी छुटकारा पाने की बहुत ही ज्यादा असरदार और सरल उपाय। हम आशा करते हैं कि आपको यह उपाय समझ में आया होगा। अब हम यह जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमें ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, जिस वजह से हमारे जीवन में पितृपक्ष हमसे कभी भी नाराज ना हो और हम पर अपनी सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की मनाही होती है, यानी यह कार्य पितृपक्ष में करने वर्जित माने जाते हैं। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर देते हो तो आपसे पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। तामसिक चीजों का सेवन, प्रिय मित्रों, पितृपक्ष के इन 16 दिनों तक आपको भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और नशे से, धूम्रपान से दूर रहना चाहिए और तन मन शुद्ध रखना चाहिए, नहीं तो आपको पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। झूठ ना बोले। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। साथ ही सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य भी नहीं करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे पी नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ना करें अपमान। पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर, साधु आदि आता है तो आपको उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इन लोगों का अपमान करने से आपके पी आप नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी ना करें, बल्कि आपको उन्हें श्रद्धा पूर्वक भोजन कराना चाहिए। पेड़ों के पत्ते, प्रिय मित्रों, पितृपक्ष के इन दिनों में पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। विष्णु प्रिय कहलाने वाली तुलसी के पत्ते को तो भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यदि पितृपक्ष से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको पितृपक्ष में इन बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, जिससे कि आपसे कोई गलती ना और आपके पितृपक्ष आपसे नाराज ना हो। क्योंकि जब हमारे जीवन में पितृपक्ष नाराज हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हमारी बनी बनाई काम भी बिगड़ने लग जाते हैं। इसीलिए आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इन बातों का आपको सच्ची निष्ठा से पालन करना चाहिए। और पितृपक्ष में अगर आप गायों को इसमें से, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी में से कुछ भी उपाय करते हैं, तो आपको निश्चित ही अपने जीवन से पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में सदैव संपन्नता बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं
और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना ताकि यह वीडियो और भी व्यक्तियों के पास पहुंच सके, जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद।